अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में तैनात रहे 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जानकारी शुक्रवार को एक यूएस अधिकारी ने दी, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले कैपिटल हिल में 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 20 जनवरी को बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। व्हाइट हाउस के बाहर चेक पॉइंट और कटीले तार लगाए गए थे। शहर में 25,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई थी। एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि शहर में तैनात 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों में से कई सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित सुरक्षा कर्मियों की संख्या और बढ़ सकती है। अमेरिका में बीते गुरुवार लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के चलते 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला सामने आया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार यूएस में अब तक कोरोना से 4,10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल गार्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित सुरक्षा गार्ड्स को लेकर चर्चा नहीं होगी। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि शहर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई थी और शरीर का तापमान भी मापा गया था। सेना के अनुसार हजारों सैनिकों के घर लौटने के इंतजाम किए गए हैं और अगले 5 से 10 दिन में वॉशिंगटन से 15,000 सुरक्षा कर्मियों को उनके घर वापस भेजने की उम्मीद है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामलों पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने और अमेरिका की कमान बाइडेन के हाथों में आ जाने के बाद यहां कोरोना को लेकर बनाई गई रणनीति में काफी बदलाव नजर आ रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका में अगले 100 दिन तक सभी नागरिकों से मास्क लगाने और कोरोना को लेकर जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।